अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का फैसला आने के बाद से ही दर्शनार्थियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए सरकार ने अयोध्या के रास्तों को चौड़ा करने का फैसला लिया था। इसके तहत पुरानी फैजाबाद से लेकर अयोध्या के नए घाट तक राम पथ तैयार किया जा रहा है। 14 किलोमीटर के इस निर्माण के तहत पुरानी और संकरी सड़कों को दोनों ओर से तोड़कर चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा करने से कई लोगों के मकान और दुकान भी टूट गए हैं। ये लोग इस बात से काफी नाराज थे। इसे देखते हुए सरकार ने इन दुकानदारों को पहले ही दुकानों का आवंटन कर दिया था, लेकिन जो कुछ लोग बच गए उन्हें अब सरकार बिना ब्याज के दुकानों का आवंटन कर रही है। जब ये हमारे कॉरिडोर्स का निर्माण हुआ उस समय जितनी भी शॉप्स अफेक्ट हुई उससे, उसमें 92% शॉपकीपर्स को हम लोगों ने वहीं पर स्थापित कराया था। बहुत कम संख्या में ऐसे शॉपकीपर्स हैं जिनको वहाँ से पूर्ण रूप से हटाने की आवश्यकता थी। उन सबको हम लोगों ने अलॉटमेंट लेटर जारी किए थे जो नए शॉप्स का निर्माण हुआ है, और उसमें से कुछ लोगों ने उसी समय पोजीशन ले लिया था। कुछ लोग जिनकी कंडीशंस उनको सूट नहीं करती हैं, वो लोगों ने लगातार प्राधिकरण से वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन कंडीशन को रिलैक्स किया जाए। तो हम लोग नियमों में रहते हुए जो भी बेस्ट कंडीशंस को हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं उसको हम लोग कर रहे हैं, और हमारा प्रयास यही है कि जितने लोग वहाँ से विस्थापित हैं उनको हम लोग विधिवत हम लोग उनको शॉप्स अलॉट कर दें, वो लोग वहाँ पर अपना जीवन यापन करें। अयोध्या के दोनों किनारों पर बसे इन दुकानदारों का दर्द है कि उनकी पुश्तैनी दुकानें टूट गई हैं। अब सरकार इन्हें अयोध्या के मल्टी कॉम्प्लेक्स परिसर में दुकान आवंटित कर रही है, जहां कुछ लोग इससे खुश हैं तो कई लोगों को आशंकाएं हैं कि उनका काम न जाने कैसा चलेगा। मेरी दुकान तुलसी उद्यान के सामने थी। अब समस्या यह है कि ये नया टावर है और यहाँ नई बिल्डिंग बनी हुई, इसमें मेरी दुकान 330 नंबर है और यहाँ 14 लाख रुपए की दुकान है, और 14 लाख में बताइए यहाँ तीसरे फ्लोर पे कैसे चलेगी, यहाँ कैसे उसका खर्चा निकलेगा, कैसे परिवार चलेगा, ये बताइए। ये ब्याज नहीं देना फिर भी बहुत है, जैसे मान लीजिए छोटे से मामूली से आदमी है, छोटी सी दुकान हमारी थी, तब इतना पैसा हम कहाँ से देंगे बताइए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है उस पर संज्ञान लिया है और अब कंडीशन बदल गई है कि आप जो रकम जमा करना है विकास प्राधिकरण की 20 वर्ष में किस्त में जमा कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी राहत दी गई है, तो इसका हम स्वागत करते हैं, मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। और ये अगर पहले मिल गई होती तो शायद हम लोग कुछ रोज़गार भी कर लिए होते, मंदिर का उद्घाटन था, लेकिन चलिए जब ही जगह तभी सवेरा। हमारी दुकानें हनुमानगढ़ी चौराहे पे थी, वहाँ माला फूल के दुकान कर रहे थे, वो टूट गई थी, तो अभी तक दुकानें तो नहीं मिली थी लेकिन अभी मिल गई है। हमारा दुकान तुलसी उद्यान के ठीक सामने थी, हम लोग एकदम बेघर हो गए हैं और 1.5 साल से भूखे मरने कगार पे हैं, और कोई धंधा पानी नहीं है, अरे हम इतना पैसा कहाँ से दे पाएंगे, इतनी महंगी दुकान है। अयोध्या को नए सिरे से सजाने संवारने का काम रोज ही चल रहा है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु भी अयोध्या आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि अपनी पुश्तैनी दुकानें खो चुके इन दुकानदारों की नई दुकान और नया काम भी चल निकलेगा। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।